देश भर में चुनावी माहौल है, हर राज्य से कुछ ना कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही है जिससे सुनकर लोग ये सोचने पर मजबूर हो रहे हैं, क्या ऐसा सच में हो सकता है? भाई राजनीति है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, जो आप सोच सकते हैं वो भी और जो आप नहीं सोच सकते वो भी। अब मेरे इन सारे बातों को कहने के पीछे कई बड़े कारण हैं और कुछ तो आपको समझ में आ भी गया होगा मेरे थंबनेल को पढ़ने से। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ज्यादा समय नहीं बचा है, ऐसे में एक पार्टी का अजीबोगरीब बयान सामने आया है। इस पार्टी ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को चुनाव लड़ने का ऑफर दे दिया है। इस पार्टी ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की तुलना शहीद आजम सरदार भगत सिंह से कर दी है। पार्टी ने अपने बयान में ये तक कह दिया है कि हमारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी उन्हें जीत दिलाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, जिसके बाद करणी सेना ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है कि लॉरेंस बिश्नोई के एनकाउंटर पर मैं 1,11,11,100 इतने बड़े इनाम दूंगा। तो किस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई के चुनाव लड़ने के ऐलान से राजनीति में आया है टर्निंग पॉइंट, बताएंगे आपको अपने खास शो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी, मैं हूँ आपके साथ पल्लवी सिंह। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को मिला चुनाव लड़ने का ऑफर। लॉरेंस बिश्नोई को एक राजनीतिक दल से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ने का ऑफर मिला है। लॉरेंस बिश्नोई अभी अहमदाबाद की साबरमती सेंट्रल जेल में बंद है। उसे यह ऑफर उत्तर भारतीय विकास सेना यानी कि UBVS ने दिया है। पार्टी के अध्यक्ष सुनील शुक्ला ने इसको लेकर लॉरेंस बिश्नोई को एक लेटर भी लिख दिया है। UBVAS के अध्यक्ष सुनील शुक्ला ने कही ये बात। UBVAS के अध्यक्ष सुनील शुक्ला ने अपने बयान में कहा है कि मुंबई विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उत्तर भारतीय विकास सेना के 4 उम्मीदवारों का नाम फाइनल हो गया है। लॉरेंस बिश्नोई की मंजूरी के बाद 50 और उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि हम लॉरेंस बिश्नोई में शहीद भगत सिंह देखते हैं। उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई को लिखे लेटर में कहा है कि हमें गर्व है कि आप पंजाब में जन्मे उत्तर भारतीय हैं। हम उत्तर भारतीय विकास सेना के नाम से एक राष्ट्रीय और महाराष्ट्र राज्य पंजीकृत एक राजनीतिक दल हैं, जो देश में उत्तर भारतीयों के अधिकारों के लिए काम करते हैं। करणी सेना का बड़ा ऐलान। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई अक्सर लोगों को जान से मारने की धमकी देता है। बाबा सिद्दीकी और सिद्धू मूसेवाले के मर्डर केस से लेकर सलमान खान के घर पर फायरिंग तक, इन सब के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही हाथ था और उसने खुद ही ये कबूल भी किया। हालांकि अब पहली बार किसी ने लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर इनाम रख दिया है। करणी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत ने लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करने वाले पुलिस को 1,11,11,111 रुपए देने का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा पुलिस कर्मियों को ढेरों सुविधाएं और सम्मान देने का भी वादा किया, और इतना ही नहीं और भी कई सारे वादे हैं। तो आपको अब मैं बताऊंगी कि आखिर बीजेपी नेता के खिलाफ खोला था मोर्चा, गुजरात पुलिस ने किया था गिरफ्तार। राज शेखावत का नाम लोकसभा चुनाव के दौरान भी चर्चा में आया था। उनके नेतृत्व में करणी सेना ने बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री परसोत्तम रूपाला के खिलाफ मुहिम छेड़ दी थी। दरअसल गुजरात के राजकोट से बीजेपी उम्मीदवार बनने के बाद रूपाला ने राजपूत समुदाय को लेकर विवादित बयान दिया था। उनका कहना था कि महाराजाओं ने विदेशी शासकों के सामने घुटने टेक दिए और अपनी बेटियों की शादी उनसे करवा दी थी। राज शेखावत ने रूपाला के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का बिगुल भी फूंक दिया था। विरोध प्रदर्शन का शंखनाद करने के लिए वो जयपुर से अहमदाबाद पहुंचे, जहां गुजरात पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। पहले उन्हें नजरबंद रखा गया और फिर उन्हें हिरासत में ले लिया गया था। इस विवाद के बाद उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था। लॉरेंस बिश्नोई पर रखा इनाम। आपको बता दें कि राज शेखावत इस दौरान गुजरात के दौरे पर हैं। ऐसे में एक क्षत्रिय महासम्मेलन में शिरकत करते हुए उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई पर इनाम का ऐलान कर दिया। राज शेखावत ने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करने वाले पुलिस को करणी सेना के तरफ से 1,11,11,111 रुपए मिलेंगे। साथ ही पुलिस कर्मियों के परिवार की सुरक्षा का दायित्व भी करणी सेना का ही होगा। क्यों लॉरेंस का एनकाउंटर चाहती है करणी सेना?
दरअसल करणी सेना और लॉरेंस बिश्नोई के बीच दुश्मनी की वजह राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के तत्कालीन अध्यक्ष सुखदेव सिंह गेगा मेड़ी की हत्या है। सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी की हत्या 5 दिसंबर 2023 को हुई थी। तब लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों ने घर में घुसकर गोगा मेड़ी को गोलियों से भून डाला था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गोल्डी बराड़ ने एक इंटरव्यू में बताया था कि गोगा मेड़ी उनके काम में दखल दे रहा था। 2-3 बार उसे ऐसा ना करने की चेतावनी भी लोगों ने दी थी, इसके बाद भी वो नहीं मान रहा था, इसीलिए उसकी हत्या कर दी गई। इस हत्या के बाद से ही करणी सेना लॉरेंस बिश्नोई गैंग से दुश्मनी रखता है। वहीं आपको ये भी बता दें कि 2 कुख्यात गैंग के कुल 4 सहयोगियों को 6 अवैध हथियारों की बरामदगी के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। डीजीपी के मुताबिक ये सभी आरोपी मोगा में जबरन वसूली के लिए एक कारोबारी को निशाना बनाने की योजना बना रहे थे। पंजाब में मोगा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। वहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े मनप्रीत सिंह उर्फ मनी भेंडर के 3 गुर्गों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उन तीनों के कब्जे से 3 अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं। वहीं पंजाब के पुलिस महानिदेशक के आधिकारिक एक्स अकाउंट से की गई एक पोस्ट में इस बात की जानकारी साझा की गई है। उस पोस्ट के मुताबिक 2 कुख्यात गैंग के कुल 4 सहयोगियों को 6 अवैध हथियारों की बरामदगी के साथ गिरफ्तार किया जा चुका है। डीजीपी के मुताबिक ये सभी आरोपी मोगा में जबरन वसूली के लिए एक कारोबारी को निशाना बनाने की योजना बना रहे थे। पुलिस महानिदेशक ने एक्स अकाउंट से की गई एक पोस्ट के मुताबिक इस मामले में 2 FIR दर्ज की गई है और बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज का पता लगाने के लिए पुलिस की टीम जांच कर रही है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस महानिदेशक की ओर से इस पोस्ट में ये भी कहा गया है कि इलाके में सनसनीखेज अपराध को सफलतापूर्वक रोकने के बाद पंजाब पुलिस शांति और सद्भाव बनाए रखने और संगठित आपराधिक नेटवर्क को नष्ट करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आपको बताते चले कि बमबीहा गैंग के गैंगस्टर लकी पटियाल और लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मनी किसी से छिपी हुई नहीं है। दोनों एक दूसरे को लेकर आग उगलते रहते हैं। लॉरेंस लकी पटियाला को मिंडू खेड़ा की हत्या का जिम्मेदार मानता है। रिपोर्टर्स के अनुसार लॉरेंस ने एक बार पूछताछ में यह भी कहा था कि वे लकी पटियाला से बदला जरूर लेगा। कैसे सतविंदर सिंह बना लॉरेंस? अब हम आपको बताते हैं कि कैसे एक आम इंसान सतविंदर सिंह से लॉरेंस बिश्नोई बन गया। पंजाब के फाजिलका में लविंद्र कुमार बतौर कांस्टेबल तैनात थे। इसी फजिलका के अबहौर में लविंद्र कुमार के घर में फरवरी 1993 को एक बच्चे का जन्म हुआ। बेटे के जन्म से पूरा घर खुशी से झूम उठा था। बच्चा इतना गोरा और सुंदर था कि उसकी मां ने लॉरेंस बुलाना शुरू कर दिया। ईसाई धर्म में इस नाम का अर्थ उज्ज्वल व्यक्ति या चमकता हुआ व्यक्ति होता है, यानी कि बहुत सुंदर। हालांकि लॉरेंस का कागजी नाम सतविंदर सिंह है। लॉरेंस के पिता चाहते थे कि उनका बेटा IAS या IPS जैसा बड़ा अधिकारी बने। इस कारण उन्होंने उसकी शुरुआती पढ़ाई अबोहर के महंगे स्कूल में करवाई और बाद में अच्छी तालीम के लिए उन्हें चंडीगढ़ DAV भी भेज दिया। कैसे गैंगस्टर बना लॉरेंस बिश्नोई? लॉरेंस के मामा के 2 बेटों की दिसंबर 2014 में हत्या हो गई। दोनों की हत्या हरियाणा के जेल में बठिंडा के हरगोबिंद सिंह और गैंगस्टर रम्मी मशाना ने करवाई थी। आपको बता दें कि लॉरेंस अपने दोनों भाइयों से बहुत करीब था, इस वजह से वो दोनों गैंगस्टर की हत्या करना चाहता था। हालांकि इस दौरान जेल में बंद था। ऐसे में पंजाब के खड़ग पुलिस 17 जनवरी 2015 को जब उसे कोर्ट में पेशी के लिए लेकर जा रही थी, तभी वे पुलिस को चकमा देकर भाग गया। लॉरेंस दिल्ली से होते हुए नेपाल गया, जहां उसने बदला लेने के लिए 60 लाख रुपए की विदेशी हथियार और बुलेट प्रूफ जैकेट तक खरीद ली। लॉरेंस इसके बाद गैंगस्टर रम्मी मशाना की हत्या करने के लिए पंजाब और हरियाणा में तलाश करने लगा, लेकिन मार्च 2015 में फाजिलका पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। लॉरेंस ने इसके बाद जेल में ही अपनी फौज बनानी शुरू कर दी। इस बात का खुलासा तब हुआ जब पुलिस को फर्दीकोट जेल में उसके पास फोन और तकरीबन 40 सिम कार्ड बरामद हुए।
जेल में होने के बावजूद वो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की सुपारी भी लेने लगा। राजस्थान के जोधपुर के डॉक्टर चांकड़ और एक ट्रैवलर को मारने के लिए लॉरेंस ने फरीदकोट जेल से ही मार्च 2017 में सुपारी ले ली थी। इसके बाद उसने फोन के जरिए ही डॉक्टर की BMW कार में आग लगवा दी। ये मामला जोधपुर में दर्ज हुआ, इस वजह से उसे जोधपुर जेल ले जाया गया, लेकिन वहां की जेल में भी लॉरेंस का नेटवर्क चलता ही रहा। अब जब महाराष्ट्र की एक पार्टी ने बिश्नोई को चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, तब से राजनेताओं की बेचैनी बढ़ गई है। लेकिन इस खबर पर आपकी क्या राय है, यानी कि आम जनता की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा, क्योंकि आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल TV। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।